और अब आपको सीधा लिए चलते हैं बलिया, सुनवाते हैं सीएम योगी को। जो स्वतंत्र भारत के अंदर यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां के विकास को एक शरारत के तहत बाधित करने का प्रयास हुआ। बलिया के लोगों को अपनी निर्भीकता, अपनी सरलता और अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन भाइयों बहनों, आज बलिया को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि बलिया अपनी कीमत वसूली करेगा। मैं ब्याज सहित वसूली कर रहा है और इसीलिए तो आपने देखा होगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2016 में हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन आए, इसके लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसी एक धरा से प्रारंभ किया था, इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। भाइयों बहनों, आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत के बारे में लोग आज मानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज गति के साथ। आज लोगों की मान्यता है, दुनिया ये बात को मानती है कि दुनिया के अंदर कहीं संकट होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में मार्गदर्शन करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। आज भाइयों में तो दुनिया के अंदर एक मान्यता है, एक धारणा बन चुकी है कि भारत का नागरिक और भारत का युवा जहां होगा बेहतरीन करेगा। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले लोग हमारे बारे में कुछ और सोचते थे, अच्छी और निगाहों से नहीं देखते थे, सब की निगाहों से देखते थे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज देश के अंदर भारत हमारा बदल रहा है, भारत बदल रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईएम, बड़े बड़े संस्थान, कई डिग्री कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई पॉलिटेक्निक, कई चिकित्सालय, हर घर नल की योजना हो या हर गरीब के घर में के लिए अपना घर, हर गरीब के घर में शौचालय हो या उज्ज्वला योजना का कनेक्शन या बिजली पहुंचाने का कार्य, हर गरीब का अपना बैंक का अकाउंट हो या फिर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य कवर, ये सब फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और कोरोना कालखंड में तो दुनिया ने भारत के चमत्कार को देखा, 80 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से भारत सरकार और प्रदेश सरकार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। भाइयों बहनों, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज फ्री में भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया। ये चीजें दिखाती हैं कि आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल सुरक्षित है, न केवल समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, बल्कि हर नागरिक के जीवन में भी स्वावलंबन को स्थान देकर के उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक एक योजना स्वावलंबी योजना है, आगे बढ़ाने की योजना है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं आपसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 2017 के पहले जिस प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, आज उसी प्रदेश में तुष्टिकरण नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण की राजनीति हो रही है। 2017 के पहले जिन युवाओं के हाथों में तमंचे होते थे, आज उन्हीं हाथों में टैबलेट पकड़ा दिया गया है और नौजवानों के हाथों में टैबलेट पहुंचा करके उसे टेक्नोलॉजी के साथ उसके टैलेंट को जोड़ करके, उसकी ट्रेनिंग को जोड़ करके आज उसकी प्रतिभा का लाभ प्रदेश और देश ले रहा है। आज उत्तर प्रदेश
पर्व और त्योहार आने पर उपद्रव नहीं होते। कोई भी मत और मजहब हो, पर्व त्योहार किसी के भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। उपद्रव का स्थान उत्सव ने ले लिया है। ये वही प्रदेश है जहां पहले युवाओं के हाथों में कट्टा पकड़ाया जाता था, आज स्कूल और कॉलेज नियमित सत्र चला करके उन्हें कलम पकड़ाने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बदलती हुई उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। नगरीय जीवन में परिवर्तन हुआ, नगरीय क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है। 17 के पहले जो नगर कूड़े के ढेर हुआ करते थे, आज साफ नगर है, स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 17 के पहले जिन नगरों में सौदों का आतंक हुआ करता था, आज वही नगर 17 के बाद अगर आप देखेंगे, उन्हीं नगरों में 17 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 17 के पहले जो नगर भाइयों बहनों रंगदारी के लिए कुख्यात थे, कोई गुंडा कोई माफिया किसी भी व्यापारी से रंगदारी वसूली करता था, आज रंगदारी नहीं कोई वसूली कर सकता है। आज तो व्यापारी को प्रदेश सरकार व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा की गारंटी दे रहा है, और भाइयों बहनों पटरी व्यवसायों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। 17 के पहले अपराधी और माफिया सीना तान करके चलते थे और समाज का शरीर व्यक्ति और व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे जान बचा करके चलता था। 17 के बाद ये ठीक उल्टा है, हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। ये परिवर्तन है प्रदेश में, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बलिया ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हमारे जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, श्री दयाशंकर सिंह जी हैं, केपी सिंह जी हैं, हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, नीरज शेखर जी हैं, रविंद्र कुशवाहा जी हैं, राजभर जी हैं, सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया के साथ लगातार कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। परिणाम है केवल नगरीय क्षेत्रों में बलिया के अंदर 20,175 गरीबों को एक एक आवास मिला है, और मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं ये डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़िए, नगरीय क्षेत्र में जितने भी गरीब होंगे जिनके पास जमीन का थोड़ा सा भी टुकड़ा होगा, मकान जर्जर होगा, उन्हें 2.5 लाख रुपए मकान के लिए प्रत्येक परिवार में पैसा डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में आएगा, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर घर में शौचालय होगा, हर नगर निकाय में बरात घर होगा, बरात के लिए सड़क में टेंट लगाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बरात घर भव्य बरात घर बनेगा, वहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम भी होंगे, जन्मोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे, अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। हर नगर निकाय के लिए योजना बनाई जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना में 6,271 पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। बलिया में 52,248 निराश्रित महिलाओं को, 19,364 दिव्यांगजनों को, 1,29,201 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ